देख रहे हैं लगातार रूटीन। मैं जीतन कुमार हूं। देवघर में स्वच्छ भारत मिशन की हकीकत क्या है उसकी तस्वीर हम दिखाने पहुंचे हैं देवघर शहर के अलग अलग चौक पर। तस्वीर हम दिखाना चाहें कि ये देखिए, ये देवघर के सब्जी मंडी की तस्वीर है और हकीकत आप इन तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं कि सब्जी मंडी का इलाका जो लाखों हजारों की तादाद में लोग यहाँ पहुँचते हैं सब्जी मंडी और सब्जी लेकर अपने घर की ओर जाते हैं, लेकिन उन्हें इस गंदगी ये जो लगी हुई है बिछी हुई है सड़क किनारे, उन्हें दो चार होना पड़ता है। लेकिन सवाल यह उठता है कि देवघर नगर निगम जो सफाई और अन्य सुविधाओं के नाम पर लोगों से जो टैक्स वसूलती है वो आखिर होता क्या है। इन तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे कुछ लोगों से, चलिए इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। साफ सफाई बहुत बुरा हाल है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जबकि नगर निगम पैसा जैसे तसलती है उस हिसाब से साफ सफाई कुछ भी नहीं है। अंदर बाहर सबका बहुत बुरा हाल है, ऐसा अमूमन हमेशा यही यही रहता है। और एक ही जगह नहीं, चारों तरफ घूम के देखिए, चारों तरफ लगभग यही हाल होगा। हाँ, शाम को देखिए तो अंदर बहुत बुरा हाल हो जाता है। क्या नाम हुआ आपका? पिंटू झा। रिपोर्ट के जरिए देखा कि देवघर में स्वच्छ भारत मिशन की जो हकीकत है आखिर है क्या। लोगों ने अपनी अपनी बात को रखा और कई लोग ऐसे मिले जो बात रखने से परहेज कर रहे थे, क्योंकि वैसे लोग जो दुकानदार हैं, जो यहाँ पर स्थानीय दुकानदार हैं, जो दुकान लगाते हैं सब्जी मंडी के अंदर, उन्हें इस बात का डर है कि नगर निगम आएगी और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर देगी इस तरह के बयान देने से। लेकिन हकीकत आपने इन तस्वीरों के जरिए देखा कि देवघर नगर निगम जो टैक्स वसूलती है और सफाई के नाम पर हकीकत क्या है। देवघर से लगातार रूटीन के लिए मैं जीतन कुमार। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।